गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी हियर चैप्टर 10 स्टेट लाइन एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5 to 14। ओके, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 5 स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन की मुझे स्लोप पता करनी है, और क्या कह रहा है वो लाइन, उस लाइन के बारे में क्या कह रहा है, व्हिच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0, -4 एंड 8, 0। कोई दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट्स मैंने पी ले लिया एंड 0 here -4 आपके क्वेश्चन में गिवेन है। ओके, एंड हियर सेकंड पॉइंट बी हियर 8, 0, ये दोनों पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो। मुझे ऐसे लाइन की क्वेश्चन पता करनी है जो इसके मिड पॉइंट से पास करता हो। कहाँ से पास करता हो, इसके मिड पॉइंट से, ये और समथिंग ये मान लो एक्स एंड हियर वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और इट समथिंग दिस ईयर, मतलब यहाँ कोई भी मान लो, और इसी लाइन पर जिस लाइन की स्लोप निकालनी है वो कहाँ से पास करती है, 0, 0 से पास करती है। इसका मतलब जिस लाइन की स्लोप निकालनी है उस पर कहीं ना कहीं 0, 0 लाई करेगा, और ये क्या है, ये मिड पॉइंट है। ओके, तो मुझे इसी लाइन एल की स्लोप निकालनी है, तो आप डायरेक्टली मिड पॉइंट तो पता ही कर सकते हो। लेट हियर दिस पॉइंट एम, कि मिड पॉइंट पता करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया x1 + x2 / 2। तो हम m कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, 0 + 8 / 2 एंड -4 + 0 / 2। तो m पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 4, -2। ये कैसे फाइंड किया समझ में आ गया ना, बिकॉज m हियर मिड पॉइंट, देन x1 + x2 / 2 एंड y1 + y2 / 2 m निकाल लिया मैंने, और एक दूसरा पॉइंट आपका पता था 0, 0। ओके, तो हियर x1 y1 हियर 4, -2 एंड सेकंड पॉइंट ऑन दिस लाइन, जिस लाइन की मुझे स्लोप पता करनी है वो क्या है, 0, 0 है। तो अब बस स्लोप पता कर लो, स्लोप ऑफ लाइन आपको पहले बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, इफ गिवन हियर टू पॉइंट देन स्लोप ऑफ लाइन इज y2 - y1 / x2 - x1। तो क्या लिखोगे, 0 - 2, तो हेयर +2 क्योंकि माइनस एक पहले से रहता है फिर माइनस आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड हेयर 0 - 4, इट मीन्स आंसर क्या आ गया, 2 / -4। सो नाउ आंसर हेयर -1/2। ये क्वेश्चन नंबर 5 का स्लोप मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट द पॉइंट 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते थे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मीन्स वहाँ हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते थे। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ नहीं करना है। ओके, तो हम आप कैसे क्या करेंगे, देखो आप क्या कर लो, मैंने कहा कोई एक ट्रायंगल ऐसे ही मैंने बना लिया, क्लियर, लेट हियर फर्स्ट पॉइंट हियर 4, 4 एंड सेकेंड पॉइंट हियर बी हियर 3, 5 एंड थर्ड पॉइंट हियर -1, -1 दिस ईयर सी एंड दिस ईयर ए, मैंने ये तीन पॉइंट ले लिए। ओके, ये कोई ट्रायंगल था, मुझे दिखाना है कि दिस इज हियर राइट एंगल ट्रायंगल, इट मींस कोई एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ कितने लाइनें, 3 लाइनें हैं जो एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं। ओके, तो आपको एक चीज़ बताया था, यहाँ मुझे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करना है। तो आपको क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि दो लाइनें हैं, अगर वो दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, लाइन ऑफ दिस स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन, यानी दोनों लाइनों के स्लोप को प्रोडक्ट कर दो, क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो हमें यहाँ कितने लाइनें पता हैं, 3 लाइनें पता हैं, ए बी बी सी सी ए। तो हम क्या करें, किसको प्रोडक्ट करने पर -1 आएगा ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं हर एक लाइन के लिए स्लोप पता कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस मुझे यूज़ नहीं करना है। अदरवाइज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर शो करके राइट एंगल ट्रायंगल हम शो कर सकते थे। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, स्लोप ऑफ ए बी, तो भाई ए एंड बी, तो फार्मूला क्या लिखते हो, y2 - y1 / x2 - x1। यहाँ ए कौन सा पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सो x1 y1 एंड बी ये सेकंड पॉइंट देन x2 y2। तो क्या लिखते हो, y2 - y1, तो 5 - 4 क्या लिखोगे, 5 - 4 एंड 3 - 4, तो आंसर क्या आ गया, 1 / -1, इट मीन्स -1 आ गया, किसका स्लोप -1 आ गया, ए बी का। एंड सेम एज हियर स्लोप ऑफ क्या लिखोगे, बी सी, चलो बी सी निकाल लो, तो सेम ऐसे यहाँ लिखोगे, तो 5 y2 - y1 लिखते हो ना, तो -1 - 5
फिर -1 -3 देन -6 अपॉन -4 देन ये 3/2 ये आ गया स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ सी ए ये भी पता कर लो. सो 4 -1 तो जब माइनस करोगे तो फिर -1 आएगा एंड 4 -1 क्योंकि y2 - y1 भाई यूज़ करते हैं हम और ये फर्स्ट पॉइंट x1 y1 सेकेंड पॉइंट x2 y2 तो 4 + 1 इट मीन्स क्या आ गया 5 एंड 4 + 1 5 देन ये 1 only 1 आ गया. अब चेक कर लो कि तीन स्लोप आपके पास हैं, 3 लाइनें हैं और 3 स्लोप्स हैं आपके पास. तो देखो किस स्लोप को मल्टीपल प्रोडक्ट करने पर, किन दो स्लोपों को प्रोडक्ट करने पर -1 मिल रहा है. तो आपका ए बी एंड सी ए. सो नाउ हियर स्लोप ऑफ ए बी इंटू ऑफ स्लोप ऑफ सी ए इज इक्वल टू हियर 1 - -1 सो हियर -1. तो आपको पहले बता चुके हैं कि जिन दो लाइनों का स्लोप को प्रोडक्ट करने पर -1 मिलता है इट मीन्स बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर. तो अब यहाँ कैसे पता चलेगा, ये तो परपेंडिकुलर पता चल गया तो कौन सा एंगल, यहाँ ए बी है सी ए है, कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा. तो ये देखो कि ये लाइन कौन सी थी, ए बी थी और ये लाइन कौन सी थी, सी ए थी. इन दोनों में कौन सा कॉमन पॉइंट है, ए. इट मीन्स दैट इज यानी दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर पर इंटरसेप्ट करती हैं तो कौन सा एंगल होगा. तो इन दोनों में कॉमन देख लो, कॉमन पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट कॉमन है. देन हियर एंगल ए इज इक्वल टू हियर 90 डिग्री. भाई मैंने इस ट्रायंगल की बात की थी क्योंकि ट्रायंगल में हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में एटलीस्ट वन यानी कम से सॉरी एक 90 डिग्री होना चाहिए, कभी मोर देन 190 डिग्री तो हो नहीं सकता. ओके तो जब मैंने एक कोण क्या दिखा दिया 90 डिग्री, इट मीन्स ये क्या प्रूफ हो गया कि ये ट्रायंगल में जो 3 इंटीरियर एंगल थे उसमें से एक एंगल कैसा हो गया, 90 डिग्री हो गया. सो दिस नेचर हियर ट्रायंगल ऑफ देन राइट एंगल ट्रायंगल. सो हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल. समझ में आ गया. चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 चेक कर लेते हैं. ओके 6 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर एंटी क्लॉक वाइज. तो इस क्वेश्चन को समझना है आपको क्योंकि स्लोप निकालने के लिए मैंने दो मेथड आपको बताया था. ओके तो चलो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा था कि कोई लाइन है एक्स एंड हेयर वाई. कह रहा है जिस लाइन का मुझे स्लोप पता करना है वो लाइन क्या करती है, मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है भाई, हम जब एंगल को मेजर करते हैं इस क्वाड्रेंट में तो हम ऐसे ही तो चलते हैं, ये देखो इस डायरेक्शन में चलते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही है. तो कह रहा वाई एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है जो लाइन, जिस लाइन की स्लोप पता करनी है और वो कहाँ, वाई एक्सिस से किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज. तो वाई एक्सिस ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज इधर है ना, तो वो लाइन कहाँ से, ये ऐसे कहीं पास करेगी, ये देखो ऐसे. तो ये एंगल भाई देखो यहाँ जहाँ से कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से, वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस यही है. अब कहो सर यहाँ भी वाई एक्सिस से, नहीं भाई पॉजिटिव वाई एक्सिस से मेज़र किया जाता है. तो मैंने देखो यहाँ से किस डायरेक्शन में हम चले, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले. तो देखो इस लाइन का एंगल कितना हो गया, कह रहा था 30 डिग्री है, कितना डिग्री है 30. तो भाई आप जानते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से अगर हम बात करें, देखो ये दिस एंगल हुआ, देखो यहाँ एक ट्रायंगल छोटा सा बन रहा है, क्या बन रहा है ट्रायंगल. तो मैंने उस ट्रायंगल को थोड़ा इधर बना दिया, क्लियर. देखो ये लाइन आपकी क्या हो गई, और इधर मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा, ओके आपको समझाने के लिए. तो देखो ये 30 डिग्री हो गया, तो आपका जब ये 30 हुआ तो ये भी तो 30 ही होगा. और आपको ये देखो ये पता है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये 90 है. तो ये कितना हुआ, ये हुआ 60 डिग्री. भाई सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री. तो ये क्या आ गया 60 डिग्री. तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से अगर इसको चेक करो तो क्या मिलेगा, 180 - 60 तो क्या मिल गया 120. यानी जब यहाँ 30 डिग्री हो रहा है क्योंकि भाई मुझे स्लोप पता करना है, तो स्लोप पता करने के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल आपको पता होना चाहिए. तो भाई ये लाइन, या मैं थोड़ा सा अलग फिगर मैंने बना दिया, देखो ऐसे थोड़ा फिगर बना दिया एक्स एंड हियर वाई, क्लियर. मैंने थोड़ी ऐसी लाइन बना दी. तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री हो रहा है तो भाई ये भी 30 होगा, ये आपका 90 है तो ये 60 तो होगा. तो अगर ये 60 है तो आपका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये कितना होगा, ये लीनियर ऑफ पेयर ऑफ एंगल से 180 - 60 इट मीन्स 120 डिग्री आ जाएगा. तो यहाँ स्लोप क्या लिखोगे, स्लोप एम इज इक्वल टू ऑफ दिस लाइन हियर टैन टेंजेंट ऑफ दिस एंगल होता है, और वो एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. सो टैन 120 डिग्री कैसे आया समझ में आ गया.
अब 120 फार्मूला फॉलो कर लो, 90 प्लस थीटा तो 90 है तो कन्वर्ट कर देगा, 10 को किस में इंटरचेंज करेगा, कॉट में, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, वहाँ निगेटिव होता है, ओके। देन कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू आप जानते हैं माइनस रूट थ्री होता है, देन ईयर माइनस रूट थ्री। तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 का स्लोप क्या मिल गया, माइनस रूट थ्री, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन हियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच द पॉइंट एक्स माइनस 1 2.1 एंड 4.5 आर कोलिनियर। तो यहाँ क्या कह रहा है, थ्री पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्लास 9th या 10th में आप ऐसे जब क्वेश्चन दिए होते तो आप एरिया निकालते थे, एरिया इजकल टू जीरो करते थे, उसके बाद फॉलो कर लेते थे। बट हम यहाँ एरिया के अकॉर्डिंग नहीं, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग चले निकालते हैं। मैंने कहा स्टूडेंट्स, जब कोई भी लाइन हो तो एक लाइन पर कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो समथिंग बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट इनमें से किसी भी अगर दो पॉइंट को आप सेलेक्ट करेंगे तो स्लोप हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो क्या यहाँ क्या दिया है, ये ए, मैंने फर्स्ट पॉइंट को ए मान लिया एक्स कामा माइनस वन, बी 2.1 एंड सी हियर 4.5 आर कोलिनियर, समथिंग यहाँ कोलिनियर लिखा है, समझ जाओ कोलिनियर। तो ये कोलिनियर है, इट मीन्स क्या, आल थ्री पॉइंट लाइन आनी है लाइन, तो इट मीन्स क्या होना चाहिए, दैट इज सो हियर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। ये सब इक्वल तो होंगे भाई, तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो अभी मैंने बताया भाई, बहुत सारे पॉइंट्स हों तो उनमें से किसी भी दो पॉइंट को आप सेलेक्ट करोगे लाइन के लिए तो स्लोप हमेशा सेम आएगी, इसलिए यहाँ स्लोप सेम होगी लाइन के अकॉर्डिंग। तो अब चलो स्लोप आप ए बी निकाल लो, तो क्या लिखते हो, y2 माइनस y1, तो यहाँ y2 क्या है, a और b में, ये है फर्स्ट पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2। तो आप जब लिखेंगे y2 माइनस y1 देन 1 माइनस माइनस 1 क्योंकि y1 यहाँ ये हो गया, एंड x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, यहाँ देखो अब bc के लिए, अब कर रहे हो आप ac के लिए ले सकते थे, ba के लिए कर सकते थे, वो तो पहले ही कर लिया आपने, तो 5 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2, तो देखो क्या आ गया, हियर 1 प्लस 1 देन हियर 2 अपान 2 माइनस x इज इक्वल टू 4 अपान 2, तो यहाँ 2 टू जब 4 हो गया, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, देखो आ गया 2 माइनस x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओनली 1, समझ में आ गया, x इक्वल 1 ही तो आएगा, तो x की वैल्यू मुझे 1 मिल गई, समझ में आ गया, x की वैल्यू ही पता करनी थी आपको, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट पॉइंट माइनस 2 माइनस 1 एंड दिस ईयर वर्टिसेस आप ये पैरेललोग्राम, ओके। क्या प्रूफ करना है, कह रहा है बिना डिस्टेंस का फार्मूला यूज किए हुए मुझे ये प्रूफ करना है कि ऑल फोर पॉइंट्स आर पैरेललोग्राम, यानी जो फोर पॉइंट्स दिया है उससे जो बनेगा, यानी वो जो वर्टिसेस हैं वो किसके हैं, पैरेललोग्राम के हैं। तो भाई पैरेललोग्राम के हम बहुत सारे रूल्स 10th में पढ़ के आए हैं, तो जो लोग यहाँ इंपॉर्टेंट रूल क्या है ये हम देख लेते हैं भाई। कोई स्क्वायर है, ऑल स्क्वायर हियर ऑलवेज कॉल्ड पैरेललोग्राम, ऑल रेक्टेंगुलर ऑलवेज कॉल्ड हियर पैरेललोग्राम, ये तो आप जानते हैं। तो इसमें पैरेललोग्राम में रूल क्या होता है हम ये देख लेते हैं, अपोजिट साइड आर इक्वल, पहली चीज अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। चलिए दूसरा मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि हियर ईच डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, ओके। तो भाई आपका स्क्वायर, मैंने क्या कहा, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, तो जब डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो क्या करेंगे, बाइसेक्ट तो करेंगे। तो भाई कोई भी अगर इट मीन्स पैरेललोग्राम है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है उसकी है वो क्या है कि हियर डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो चलो मैंने यहाँ पहला फर्स्ट पॉइंट ए बी सी डी मैंने चार पॉइंट लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो आपका माइनस टू का माइनस वन दिया हुआ है, लेट हियर ए, ओके, यहाँ मैंने मान लिया माइनस टू माइनस वन, और बी पॉइंट जो आपका था वो क्या है 4.0, एंड सी पॉइंट हियर 3.3, एंड डी पॉइंट हियर -3.2, ओके, ये मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब मुझे इसको क्या शो करना है, पैरेललोग्राम। तो भाई पहले यहाँ लिख लेंगे कि वी नो दैट हियर आल पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर इन आल पैरेललोग्राम, क्लियर, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, ओके, इन आल पैरेललोग्राम। तो इट मीन्स यहाँ क्या हो गया, इसका मतलब ए सी और बी डी
एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. सो ये पॉइंट जो मान लो समथिंग ओ है तो वो कैसा पॉइंट्स होगा, मिड पॉइंट होगा. तो स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे कि इन पैलोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर. सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी. तो मैं यहाँ सिर्फ इतना लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लिख लेंगे क्या. इफ ए बी सी डी आर पैलोग्राम, ओके पैरेललोग्राम, देन मिड पॉइंट भाई, और जो लैंग्वेज मैंने बताया है वो तो आप ही लिख लेंगे ना. मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू हियर मिड पॉइंट ऑफ बी डी, लेकिन पहले वो लिख लेना क्या, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, देन मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी. चलो ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तो चलो हम देखते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं आता है. अगर इक्वल आ गया तो ये कैसा होगा भाई, ये पैलोग्राम होगा भाई, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए. ओके तो अब ये प्रूफ करने जा रहे हैं हम. तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाल के देखो क्या आएगा. ए हियर एक्स वन वाई वन एंड सी हियर एक्स टू वाई टू. मिड पॉइंट आप निकाल लो तो एक्स वन प्लस एक्स टू देन माइनस टू प्लस थ्री भाई, माइनस टू प्लस थ्री तो माइनस टू प्लस थ्री एंड डिवाइड बाई टू. फिर क्या लिखते हो, माइनस वन प्लस थ्री डिवाइड बाई टू, तो क्या आ गया, यानी आ गया वन बाई टू कमा वन, ये मिल गया. दूसरा भी निकाल लो, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये भी निकाल के देख लो तो क्या आएगा, फोर माइनस थ्री देन वन बाई टू भाई, एड करते हैं दोनों को एंड जीरो प्लस टू डिवाइड बाई टू देन हियर वन, तो क्या दोनों सेम आ गए, यहाँ लिख दोगे यानी मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड मिड पॉइंट ऑफ बी डी आर इक्वल, हैंस ए बी सी डी आर पैलोग्राम. समझ में आ गया ना क्या लिखना है आपको. क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी करने से पहले हमें कुछ रूल्स स्टडी करने होंगे, तो कौन से रूल्स हैं चलिए देख लेते हैं. समथिंग हियर एनी टू लाइन इंटरसेप्ट टू इच अदर, कोई दो लाइनें हैं एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं, तो जब इंटरसेप्ट करेंगी तो वहाँ दो टाइप के एंगल बनेंगे. एक एंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा, इट मीन्स लेस देन 90 होगा, और दूसरा एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 90 होगा. ओके तो जो लेस देन 90 एंगल होता है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. कब फाइंड आउट कर सकते हैं, इफ़ गिवन ईयर स्लोप, इफ़ गिवन ईयर स्लोप, यानी स्लोप यहाँ दिया गया हो किसका, लाइनों का, तब हम एक्यूट एंगल फाइंड कर सकते हैं. तो फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपान वन प्लस एम वन एम टू. आपके बुक में टैन थीटा इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन अपान वन प्लस एम वन एम टू लिखा होगा, तो यहाँ दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं. रीज़न मैंने एम वन माइनस एम टू क्यों कहा, यहाँ मॉडुलस लगा दिया जाता है कि इफ यर एम वन ग्रेटर देन एम टू देन एम वन माइनस एम टू, बट इफ एम टू ग्रेटर देन एम वन देन एम टू माइनस एम वन, तो इससे अच्छा है मॉडुलस लगा दो. मॉडुलस लगाने का मतलब क्या हो गया कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्यूट एंगल इट मीन्स लेस देन 90 डिग्री आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल हियर पॉजिटिव, इसलिए वहाँ पॉजिटिव करना होता है. ओके तो अगर समथिंग कोई दो लाइनें हैं, दो लाइनों के बीच में अगर मैंने एंगल थीटा मान लिया एंड थीटा हियर एक्यूट एंगल, तो उस एंगल को फाइंड करने के लिए स्लोप पहले पता होना चाहिए आपको, देन यूज दिस फार्मूला टैन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपान वन प्लस एम वन इंटू एम टू. ओके हम ये फार्मूला यूज करते हैं. सो नाउ क्वेश्चन 10, अब हम क्वेश्चन 10 को देखते हैं. कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 कॉमा माइनस 1 एंड 4 माइनस 2. तो चलो मैंने क्या किया, यहाँ देखो मैंने ऐसे एक्स एक्सिस बना लिया और ये वाई एक्सिस बना लिया, समथिंग क्लियर. अब 3 माइनस 1 कह रहा था तो 1 2 3 3 हो गया और माइनस 1 समथिंग यहाँ हो गया, तो ये कोई पॉइंट हो गया 3 माइनस 1. चलो मेजर कर लिया मैंने दिस पॉइंट हियर 3 माइनस 1. मैंने कहा कोई जरूरी एग्जैक्ट पॉइंट आप पता करो, बस यहाँ थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर रहे हैं. ओके 4 कमा माइनस 2 तो 4 यहाँ हो जाएगा क्लियर, और माइनस 2 कहीं यहाँ आ जाएगा. ओके भाई ये माइनस 1 है तो ये माइनस 2 होगा, समथिंग यहाँ कहीं आ जाएगा, दिस ईयर 4 माइनस 2. अब इन दोनों से पास करता हुआ हमें एक लाइन ड्रा करनी है, क्लियर. तो चलो मैंने ऐसे लाइनें ड्रा कर दी, ये लाइन ड्रा कर दी, क्लियर. देखो ये लाइन हो गई, तो समथिंग अब एक्स एक्सिस से जो एंगल निकालना है वो कैसा एंगल दिख रहा है, साफ साफ देखो एक्यूट एंगल है वो नहीं, थीटा है. थीटा इट मीन्स क्या है, यहाँ दिख रहा है थीटा हियर एक्यूट एंगल नहीं है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है. तो भाई मैंने कहा यहाँ
किस किस के बीच का एंगल निकालना है, एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन। तो क्या दोनों चीज़ों के स्लोप पता है? यस, आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि जब एक्स एक्सिस यानी स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस रिप्लाई में जीरो होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हियर जीरो। तो चलो मैंने इसको क्या मान लिया, एम, दैट इज हियर एम वन मान लिया, एम वन इज इक्वल टू जीरो मान लिया, समझ में आ गया। और ये कैसे था, क्योंकि वाई इक्वल टू आप कॉन्स्टेंट लिखते हो, एक्स एक्सिस की जो पैरेलल होगी हम हमेशा वाई इक्वल कॉन्स्टेंट लिखते हैं। ये आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि कभी भी अगर एक्स एक्सिस का स्लोप पूछा जाए तो आप डायरेक्टली क्या लिख दो, जीरो लिख दो। ओके चलो दूसरी चीज, नाउ अब हम दूसरी लाइन की स्लोप देखते हैं। जिस दूसरी लाइन कौन सी थी, ये थी जो कहाँ से पास करती थी, कामा माइनस वन एंड फोर माइनस टू। ओके चलो उसको मैंने एल मान लिया। नाउ स्लोप ऑफ एल, तो क्या लिखोगे, एम टू मैंने मान लिया, तो वाई टू माइनस वाई वन लिखते हो ना, तो चलो इसमें किसी को भी एक्स वन वाई वन मान लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्लोप निकालने में, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलो आपने एक्स वन वाई वन मान लिया, एक्स टू वाई टू, फर्स्ट पॉइंट को एक्स वन वाई वन यानी इसको हमने एक्स वन वाई वन मान लिया, और सेकंड पॉइंट को क्या लिख दिया, एक्स टू वाई टू मान लिया। ओके इसको हमने क्या मान लिया, एक्स टू वाई टू मान लिया। तो चलो क्या लिखते हो, वाई टू माइनस वाई वन, सो माइनस टू माइनस वन, तो माइनस वन जब लिखेंगे तो यहाँ प्लस वन हो जाएगा, एंड फोर माइनस थ्री, तो एम टू की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू एंड प्लस वन, तो माइनस वन अपान वन, इट मीन्स क्या आ गया, माइनस वन आ गया। अब दोनों चीज़ों की स्लोप पता हो गई, एंड लेट हियर लेट मुझे क्या फाइंड करना है, थीटा। तो भाई ये थीटा तो फाइंड करना है, तो ये ग्रेटर देन 90 है, हम एक्यूट एंगल इट मीन्स ये थीटा अभी निकाल रहे हैं, समझ लो ये, लेकिन पता तो आपको ये करना है, क्योंकि मैंने कहा जो फार्मूला यूज़ करने के लिए कहा मैंने, वो फार्मूला आप केवल एक्यूट एंगल के लिए फाइंड कर सकते हो। मैंने लिखा लेट थीटा बी द एंगल, बी द एंगल बिटवीन, थीटा बी द एक्यूट एंगल, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन सिगमेंट, सिगमेंट थ्री माइनस वन एंड फोर माइनस, लाइन सिगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट थ्री माइनस वन एंड फोर माइनस टू, ये लैंग्वेज लिख लेंगे भाई आप, क्लियर। चलिए अब मैंने क्या कहा, थीटा एक्यूट एंगल आपने मान लिया, लेकिन आपको बताना तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा हो गया तो ये पाई माइनस थीटा होगा। तो चलो पहले थीटा निकालते हैं, तो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपान वन प्लस एम वन एम टू, यही तो फार्मूला मैंने बताया, एंड विथ मॉडुलस वैल्यू यूज़ कर लो, टैन थीटा इज इक्वल टू एम वन क्या आया है, जीरो आ गया आपका, यस, एम टू क्या आया है, माइनस वन, तो यहाँ प्लस वन हो गया, एंड वन माइनस एम वन क्या था, जीरो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा विथ मॉडुलस। सो नाउ हियर ओनली वन, अब वन टैन की वैल्यू वन कब होती है, 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल क्या मिल गया, 45 डिग्री, बट आपको ये थीटा नहीं बताना है, देखो उसमें साफ साफ लिखा था क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब आपके माइंड में आएगा सर मैंने एक्स एक्सिस तो बता दिया, नहीं भाई यहाँ कुछ ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जब ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जैसे हम क्वाड्रेंट को डिफाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो क्वाड्रेंट को हम कहाँ से, यहीं से तो चलते हैं ऐसे ऐसे, तो इट मीन्स हमें ये एंगल बताना है, अगर लिखा होता क्या क्लॉकवाइज तब हम ये थीटा बता देते, ओके, या एंटी क्लॉकवाइज होता तब भी, लेकिन कुछ नहीं लिखा है तो हम जैसे एक्चुअल किसी भी क्वाड्रेंट को डिफाइन करते हैं, तो हम यहाँ एक्स एक्सिस ऐसे चलते हैं, ऐसे देखो ये इस तरफ से चलते हैं, तो हमें इट मीन्स ये एंगल बताना है। सो नाउ रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू हियर पाई माइनस थीटा, इट मीन्स 180 माइनस 45 डिग्री, तो क्या आ गया 135 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हैं आप, 135 रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे लिख लो और सॉल्व कर लो, जो आएगा वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब, क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया, ये 10 था, कौन सा था, 10 क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम 11 देखते हैं, 11 क्या कह रहा था, सेम इज ऐसे ही क्वेश्चन था, कह रहा था दी स्लोप ऑफ ये लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, दो लाइनें हैं, तो आप लिख लेंगे लेट्स लाइन हियर L1 एंड L2 देन अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट लाइन के लिए मैंने स्लोप समथिंग M1 मान लिया, भाई मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ M, क्लियर, यानी जो भी फर्स्ट या सेकंड जो भी दो लाइनें मान लिया मैंने, लेट L1 L2 बी द टू लाइंस एंड स्लोप हियर M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली, देन अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन M1 इक्वल M, देन M2 इज इक्वल टू 2M,
या m1 को 2m मान लो, m2 को m मान लो, भाई कोई भी मान लो, कह रहा था कोई एक स्लोप है दूसरे का क्या डबल है, बस समथिंग यही था। तो देखो एक m मान लिया, दूसरे का m 2m लिख दिया। अब और भी कुछ कह रहा था, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, कह रहा था यही दोनों लाइन है, इसको l1 मान लिया, इसको l2 मान लिया, ओके। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और भाई इसका स्लोप आपने m1 लिखा है, इसका स्लोप m2 लिखा है। तो अगर थीटा एक्यूट एंगल है यहाँ, तो क्या करोगे, मुझे थीटा पहले से बताया गया, टेंजेंट ऑफ थीटा देन स्लोप। तो कह रहा है टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, इट मीन्स गिवन हियर, यहाँ क्या दिया है, टैन थीटा इजकल टू 1/3। अब हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, स्लोप निकालना है, ये स्लोप पता करना है कि दोनों लाइनों की स्लोप क्या होगी। तो ध्यान से देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, टैन थीटा इजकल टू एम वन माइनस एम टू अपान 1 प्लस एम वन एम टू, आप ऐसे तो लिखोगे। बट स्टूडेंट्स एक चीज़ याद करनी रखनी है आपको, कि मॉडुलस के अंदर जब कोई कांस्टेंट होता है तो मॉडुलस को हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने लिखा यार माइनस थ्री, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो क्या लिख दोगे, प्लस थ्री, ओके। लेकिन जब मॉडुलस के अंदर कोई वेरिएबल आ गया, ऐसे जैसे देखो एक्स मैंने लिख दिया, एक्स क्या है, यहाँ वेरिएबल है, तो मॉडुलस को जब हम हटाएंगे तो इस एक्स को दो साइन में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये एक्स निगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ भाई हमारे अंदर यहाँ क्या है, यहाँ m1 और m2 की वैल्यू तो वेरिएबल है, तो रखो tan थीटा की वैल्यू क्या थी 1/3, और m1 की वैल्यू थी m, और m2 की वैल्यू क्या थी 2m अपान 1 प्लस m एंड 2m, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ हमें मॉडुलस को हटाना है, क्योंकि भाई मुझे ये वेरिएबल, इट मीन्स यहाँ इसके अंदर क्या है, वेरिएबल है, तो बाहर प्लस माइनस लगा दो, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर। प्लस माइनस क्यों लगाया, समझ में आ गया ना, क्योंकि भाई मॉडुलस हम तब सॉल्व करते हैं, यानी मॉडुलस को अप्लाई तब करते हैं जब अंदर क्या हो, कोई कांस्टेंट हो। लेकिन जब कोई वेरिएबल होगा तो एक्स भाई जो उसके अंदर वेरिएबल है वो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तो हो सकता है, क्योंकि मॉडुलस हम क्यों लगाते हैं, सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो यहाँ अब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, इसलिए आपको उसको प्लस माइनस दोनों के साथ लिखना होगा। अब क्या लिखोगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो चलो पॉजिटिव साइन सॉल्व लेकर के सॉल्व करके देखते हैं, ओके। सो नाउ हियर 1/3 और क्या आ गया, प्लस साइन आपने लिया है, तो माइनस एम अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, देखो सिंप्लीफाई करके क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2m स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू माइनस 3m, इधर कर लो 2m स्क्वायर प्लस 3m एन प्लस 1 इजकल टू 0। अब इसका फैक्टर कर लो तो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इजकल टू 0, यानी क्या आएगा, 2m मैंने कॉमन कर लिया, देन m प्लस 1 एन प्लस ईयर 1 m प्लस 1 इजकल टू 0, तो दो वैल्यू मिलेगी, एक तो m प्लस 1 और दूसरा m 2m प्लस 1 इजकल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m इक्वल माइनस 1 और m इक्वल माइनस 1/2, ओके। तो चलो m इक्वल माइनस 1 लेते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। देन स्लोप ऑफ लाइन l1, क्योंकि दोनों लाइनों की स्लोप बतानी थी ना, तो m1 इजकल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि m1 इजकल टू क्या था, m था, एंड दूसरे लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, m2 हियर 2m था, तो इट मींस माइनस 2 आ जाएगा। तो पहला आंसर तो मिल गया, जब m इक्वल माइनस 1 लिया तो पहले लाइन की स्लोप माइनस 1, दूसरे लाइन की स्लोप माइनस 2 आ गई। चलो दूसरा भी देखो भाई, यहाँ चार सॉल्यूशन मिलेंगे, अभी मैंने पॉजिटिव साइन लिया है तो दो सॉल्यूशन मिलेगा, एंड इफ़ m इजकल टू माइनस 1/2 देन स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट m1 इजकल टू m, इट मींस माइनस 1/2, और स्लोप ऑफ सेकंड लाइन हियर 2m, इट मींस माइनस 1/2 इंटू 2, तो माइनस 1 आ जाएगा। ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया, समझ में आ गया। अब फिर क्या लिखोगे यहाँ, टेकिंग हियर नेगेटिव साइन, ओके। तो जब नेगेटिव साइन लोगे तो देखो क्या आएगा, 1/3 माइनस माइनस m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर, ओके। तो आ गया 1/3 इजकल टू m बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर, ओके। तो वैसे सॉल्व कर लेंगे ना, एम की सब तक दो वैल्यू आएगी, तो एम की एक वैल्यू आएगी, भाई यहाँ चार ऐसे स्लोप मिलेंगे अलग अलग, एक ये सॉल्यूशन हो गया आपका, दूसरा ये सॉल्यूशन हो गया, अब ऐसे इसके भी दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, तो आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था आपका, 11 था। चलो क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ये लाइन पासेस थ्रू x1 y1
and h comma k if slope of the line is m so that this equal this. भाई साफ साफ यहाँ कितने पॉइंट्स कह रहा है, दो पॉइंट पहले दिया कि इफ ए लाइन पास थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज एम तो सो दैट पूछ रहा है। तो आप ये जानते हो जब दो पॉइंट्स हमें पता होते हैं किसी भी लाइन के लिए तो आप स्लोप कैसे निकालते हो, लिखते हो y2 टू माइनस वाई वन, ऐसे लिखते हो y2 टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन इजकल टू स्लोप स्लोप ऑफ लाइन। तो y2 टू यहाँ एक्स वन क्या है, एक्स वन आपका यही है एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू क्या हो जाए एच कामा के हो जाएगा और m स्लोप तो पहले ही m दिया हुआ है तो लिख लो भाई यहाँ वाई टू क्या है k है तो k माइनस वाई वन तो आपका वाई वन ही है, एक्स टू क्या है h है h माइनस क्या हो गया एक्स वन हो गया क्योंकि एक्स वन तो आपका एक्स वन ही है ना आपके बुक में देखो एक्स वन ही है एंड स्लोप क्या है आपका m। अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया अरे भाई ये तो प्रूफ हो गया k माइनस वाई वन इजकल टू हेयर m एच माइनस एक्स वन, कितना इजी था, बहुत इजी था भाई। मैंने सिर्फ स्लोप दो पॉइंट दिया था, स्लोप का फार्मूला यूज़ किया, स्लोप पहले से गिवन था m, बस मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया प्रूफ हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। तो 13 क्या कह रहा था, इफ थ्री पॉइंट्स दीज आर लाइन ऑन ए लाइन सो दैट दिस इक्वल दिस, भाई ये कितने पॉइंट्स है, थ्री पॉइंट्स है और क्या कह रहा है लाइन ऑन ए लाइन, इट मीन्स कोलिनियर की तो बात कर रहा है तो इसमें से किसी दो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को सेलेक्ट कर लो तो हमेशा स्लोप क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो करो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात कर रहा हूँ। चलो फर्स्ट पॉइंट मैंने ए ले लिया, ए पॉइंट हियर क्या हो गया आपका एच कामा जीरो इसको, एंड सेकेंड बी हियर ए कामा बी एंड सी हियर जीरो कामा के, ये तीन पॉइंट मैंने ले लिया। तो मैं आप क्या लिख रहा हूँ भाई, ये तीनों क्या है ऑन ए लाइन, लिख दोगे ऑल पॉइंट्स ए बी सी लाई ऑन ए लाइन, क्लियर लाई ऑन ए लाइन पहले लिखोगे तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ ए बी इजकल टू हियर स्लोप ऑफ बी सी, इक्वल हो गया ना। तो चलिए स्लोप ऑफ ए बी तो ये ए क्या हो गया एक्स वन वाई वन, बी क्या हो गया एक्स टू वाई टू, तो वाई टू माइनस वाई वन लिखते हो ना, सो बी माइनस जीरो, बी माइनस जीरो एंड ए माइनस ये क्या था आपका एच था, ओके भाई देख लो एच ही तो है कुछ और तो पॉइंट नहीं है, यस एच ही था। तो देन हियर ए माइनस एच यहाँ लिखोगे स्लोप ऑफ बी सी तो के माइनस क्या हो गया बी हो गया एंड जीरो माइनस ए, ओके अब सॉल्व कर लो थोड़ा सा इसको, ये क्या आ गया बी अपान ए माइनस एच इजकल टू के माइनस बी अपान हियर माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको माइनस ए बी इजकल टू ए के माइनस ए बी माइनस एच के एंड प्लस एच बी, समझ में आ गया। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस ए बी कैंसिल हो रहा है तो एच के यहाँ आ रहा है तो एच को का क्या करो उस साइड में ले जाओ तो इधर क्या मिलेगा ए के प्लस एच बी, तो मैंने कुछ ऐसे लिखा ए के प्लस एच बी इजकल टू हियर, भाई दूसरे साइड में क्या मिल जाएगा आपको एच के तो मिलेगा, अब एच के से डिवाइड कर दो, जैसे ही देखो अब मैं यहाँ थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको, ओके जैसे ही एच के से दोनों साइड में डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको एच के से डिवाइड कर रहे हो आप किससे एच के से, तो यहाँ मिल जाएगा ए के अपान एच के प्लस एच बी अपान एच के इजकल टू वन ही तो मिलेगा। देखो यहाँ से एच एच कैंसिल हो गया, यहाँ से के कैंसिल हो गया तो आंसर क्या मिल गया, देखो जो प्रूफ करना था ए बाई एच प्लस बी बाई के इजकल टू वन, यही तो प्रूफ करना था आपको, क्लियर देख लो जहाँ यही तो प्रूफ करना था, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 13 ओके क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। 14 देखो आप अपने बुक से ही कर सकते हो, क्या कह रहा था 14 देखो ये लाइन है ओके तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं भाई इस लाइन के स्लोप तो हमेशा सेम ही होगी, या एक काम और भी कर सकते हो क्या इसको भाई ग्राफ पेपर पैसे बना लो, ग्राफ पेपर पैसे बना लो क्लियर। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है देखो ये क्या है पॉपुलेशन है और ये क्या है ईयर है, तो कह रहा है 1985 में पॉपुलेशन क्या थी 92 करोड़ थी क्लियर, वो 1995 में 97 करोड़ थी, तो यहाँ पूछा 2010 में कितने करोड़ होगी, तो पहला काम एक तो ये ग्राफ पेपर बनाते उसके सीध में हम देख लेते यहाँ इधर मैच कर लेते जिस पॉइंट पर आता वही हम बता देते,
क्लियर। या दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि यहाँ क्या कर लो, x तो आपको पता है ना 210, y ऐसे ही कंसीडर कर लो। तो अब क्या कर सकते हो, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, इसको सी पॉइंट मान लो, क्या मान लो, सी मान लो। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो केवल y ही पॉइंट तो निकालना है, तो कंप्लीट कर लोगे ना। तो चलिए अब आप एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर लीजिए। ओके।